लेकिन अब इनकी बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से, जिनकी जिम्मेदारी है इसे रोकना, जो फेल कर चुके हैं रशिया और यूक्रेन के मामले में। वो कह रहे हैं कि यह संभव है। ईरान में पहला अंडरग्राउंड एयरबेस ऑपरेशनल हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। अंडरग्राउंड एयरबेस का नाम ईगल 44 रखा गया है। बेस पर फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स, यूएवी तैनात। अंडरग्राउंड एयरबेस को अलग अलग जोन में बांटा जाएगा, कॉम्बैट ड्यूटी जोन, कमांड पोस्ट, हैंगर्स और रिपेयर सेंटर। तो यूक्रेन के साथ साथ ईरान की जंगी तैयारी भी विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा रही है। लेकिन हम आपको दिखाने वाले हैं विश्व युद्ध या ग्लोबल वॉर को लेकर हुई सबसे बड़ी भविष्यवाणी। पहली बार यूएन चीफ की तरफ से इस तरह की भविष्यवाणी की गई है। ध्यान से देखिएगा क्या कहा, ग्लोबल वॉर की तरफ जा रही है दुनिया, पॉलिटिकल लीडरशिप फ्लॉप हो गई है। इनका काम था इसको रोकना, इनका काम है इस पर कॉमेंट नहीं करना। शांति की संभावनाएं कम हैं, ये जहां पर हैं उसका मकसद ही शांति है। रक्तपात की संभावनाएं बढ़ी हैं, ये इनका फेलियर है। सोचिए जरा आप, यहां पर सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। यूएन चीफ की भविष्यवाणी की फुल डिटेल क्या है अब जरा वो देखते हैं। दुनिया एक वैश्विक, वही वॉल रखेगा राहुल, वैश्विक संघर्ष के करीब आ गई। नींद में चलकर नहीं खुली आंखों से ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रही है दुनिया। दुनिया में शांति की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। युद्ध की तरफ आगे बढ़ने से रक्तपात की संभावनाएं बढ़ेंगी। पूर्वाग्रह की वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप सही फैसले नहीं ले पा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की दुनिया को चेतावनी, यूएन चीफ, सोचिए जरा यूएन चीफ की भविष्यवाणी का मतलब क्या है। 24 फरवरी को युद्ध का एक साल पूरा होने से पहले यह भविष्यवाणी क्या संकेत दे रही है, वेरी वेल एनालाइज्ड। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से युद्ध और बढ़ेगा क्या, नंबर वन, यह बड़ा अच्छा एनालिसिस है मेरे सहयोगी अमित जो है उन्होंने किया। पश्चिम से टैंकों की सप्लाई जंग को बढ़ाएगी, फिर यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई से युद्ध खींचेगा, फिर रूस वर्सेस नेटो होने से विश्व युद्ध छिड़ सकता है, ये सब जानते हैं। शांति वार्ता को लेकर मजबूत कोशिश नहीं हो रही है। अब यूक्रेन युद्ध का एक और खतरनाक संकेत जो रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से मिल रहा है और बता रहा है कि युद्ध में अब कुछ बड़ा होने वाला है, युद्ध में कुछ बड़ा होने वाला है। ध्यान से देखिए बाप, रूस और यूक्रेन, रूसी फौज का सीक्रेट ढंग से मोबिलाइजेशन, जूम इन करें राहुल। यूक्रेन कई नागरिकों को मोबिलाइज कर रहा है, सूत्र के हवाले से खबर है। यूक्रेन, रूस मोबिलाइजेशन के लिए सीक्रेट ड्राफ्ट बनाया, यूक्रेन बंदूक चलाने वाले हर नागरिक को बुलावा है। ध्यान से देखिए, 17 जनवरी को 15 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया। यूक्रेन में भी नए सिरे से भर्ती अभियान हो रहा है और यूक्रेन में तो यह है कि जिसको गन चलानी आए उसको ले लो, बस उसके गन चलानी आनी चाहिए। इस सब के बीच में आइए कुछ फैक्ट्स बताते हैं। रूस की सीक्रेट प्लान की फुल डिटेल क्या है अब जरा वो भी जान लेते हैं। इससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग कितनी विध्वंसक और कितनी विनाशक होने वाली है। ध्यान से देखिए फैक्ट्स, युद्ध में कुछ बड़ा होने वाला है। रूस में फौज के मोबिलाइजेशन के लिए सीक्रेट ड्राफ्ट, गोपनीय ढंग से फौज को जंग के लिए भेज रहे पुतिन, विरोध के चलते सीक्रेट ढंग से फौज का मूवमेंट कर रहे हैं। सितंबर के मोबिलाइजेशन के बाद सावधानी से कदम, कीव पर कब्जे में नाकामी के बाद फूंक फूंक कर कदम। आईएसडब्ल्यू के हवाले से जानकारी है।